Hello friends, welcome to SA Classes, your own tuition center. Friends, आज मैं आप लोगों को Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959 के बारे में बताऊंगी. Friends, ये Act applicable है whole of India में. Friends, ये Act आया किस लिए था पहले मैं ये बताती हूँ. जिसको भी जॉब की जरूरत हो या फिर जो अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए सोचा कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी उनकी हेल्प कर पाए, नॉट ओनली इन पब्लिक सेक्टर बट इन प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, अगर वो कुछ भी हेल्प कर पाए उन लोगों की, जैसे रिलेटेड टू गवर्नमेंट करता क्या है इसमें, उन लोगों का ना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं. उन लोगों का सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है. उसके बाद अगर कहीं भी वैकेंसीज होती है तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी हेल्प करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए. ओके, एंड गवर्नमेंट क्या करते हैं, कुछ लोगों को कुछ पैसे भी भेजते हैं मंथली, जिनको बहुत ज़्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है. ओके, तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है, प्लेसमेंट दे देती है. जो भी जॉब सीकर है, जो जॉब खोज रहे हैं, उन लोगों को प्लेसमेंट देती है अगर गवर्नमेंट के पास होता है वैकेंसी तो. ओके, इसमें श्योर नहीं है कि जॉब मिलेगा ही, बट लक के ऊपर है. एंड करियर काउंसलिंग किसी को ज़रूरत होती है तो वो गवर्नमेंट करती है. इसमें ये होता है. ओके, ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया में. एंड फ्रेंड्स, इसमें कोई भी अगर डिसीजन लेना होता है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही लेगा. ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कुछ भी डिसीजन लेना होता है इम्पोर्टेंट तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लेगा. अब हम लोग देखते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. ओके, तो ऑफिस और प्लेस इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन. कोई ऐसा ऑफिस और प्लेस जो मेंटेन हो रहा है या फिर इस्टेब्लिश किया गया है बाय गवर्नमेंट फॉर कलेक्शन एंड फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन, किस किस के लिए, पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, जिस पर्सन को एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर्सन हु सीक्स टू इंगेज एम्प्लॉयज, यहाँ पे एम्प्लॉयज होगा, जिस पर्सन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट उनका हेल्प करती है उनको एम्प्लॉयज़ दिलाने में, जिसको ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट का उसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एंड वैकेंसीज जहाँ होती है वो फिलअप कराने में वो हेल्प करती है. इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, तो किस जगह कैसे इस्टेब्लिशमेंट में गवर्नमेंट जो है वो करवाती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. प्राइवेट अगर होता है तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पे एम्प्लॉइंग एटलीस्ट 25 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो वहीं पे ये करवाती है. एंड पब्लिक में जो आउंड कंट्रोल एंड मैनेज होता है बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन या फिर लोकल अथॉरिटी. ओके, अब फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं ये एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. ये तो हमने देखा कहाँ एप्लीकेबल है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है. तो एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन प्राइवेट सेक्टर, फ्रेंड्स ये पॉइंट नोटिस करना, प्राइवेट सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर में एप्लीकेबल होगा लेकिन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर इन प्राइवेट सेक्टर. डोमेस्टिक सर्विस वेयर एम्प्लॉयमेंट इज फॉर पीरियड देन लेस 3 मंथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में हमेशा पूछता है. जहाँ पे 3 मंथ से कम का काम होता है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है. अनस्किल्ड ऑफिस वर्क, ऐसा ऑफिस वर्क जिसमें अनस्किल्ड की जरूरत हो वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एप्लीकेबल नहीं है. कनेक्टेड विद स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट, कोई ऐसा इस्टेब्लिशमेंट जो कनेक्ट है पार्लियामेंट स्टाफ से वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं है. या फिर कोई ऐसा जगह जहाँ पे रेमुनरेशन 60 रुपीज़ पर मंथ से कम मिलता है वहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. अब हम लोग देखते हैं रिटर्न एंड पेनल्टीज. एम्प्लॉयर्स टू नोटिफाई इन्फॉर्मेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, जो भी नोटिफिकेशन उन लोग के पास आता है वो उन लोगों को उस फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा. अगर एम्प्लॉयर्स फेलर होते हैं तो फर्स्ट ऑफेंस उन लोगों का है ₹500 एंड सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट मतलब अगर बार बार करते हैं तो उन लोगों को ₹1000 पे करना पड़ेगा. एम्प्लॉयर्स रिफ्यूजल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, वो रिफ्यूज़ कर देता है कि वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर ने उससे मांगा इन्फॉर्मेशन एंड वो नहीं देता है, तो फर्स्ट ऑफेंस ₹250 एंड सेकेंड ऑफेंस ₹500 उसे देना पड़ेगा. फ्रेंड्स इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो ऑब्लिगेशन टू रिक्रूट इम्प्लॉयज फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जो इम्प्लॉयज़ है उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कोई भी अगर नहीं रिक्रूट करता है तो उसे पनिशमेंट होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. पनिशमेंट फेलर में होगा या फिर वो रिफ्यूज़ करता है इन्फॉर्मेशन देने में, वो इन्फॉर्मेशन देने में फेल करता है तब यहाँ पे पेनल्टीज है. अगर वो रिक्रूट नहीं करता है तो कोई पेनल्टी नहीं है, ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड है एम्प्लॉयर के ऊपर कि वो किसी को रिक्रूट करना चाहता है या नहीं.
तो फ्रेंड्स ये चैप्टर बस हमारा इतना ही बड़ा था, लेकिन इसमें से छोटा चैप्टर है लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, कम से कम 3 से 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से हर बार पूछते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे बताना। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग अपना मेल आईडी मुझे कमेंट कर सकते हो, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो जिसको वीडियो की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।